आज है बहुत ही बड़ा दिन हमारे लिए, क्योंकि आज ईद का दिन रहा है, ईद के लिए, और बहुत ही खुशी का दिन है सारे अपने भाइयों के लिए। ये इधर सारे अपने भाई बंधु सारे तैयार हुए हुए खड़े हुए हैं, और अब चल रहे हैं हम ईदगाह की तरफ, क्योंकि बहुत ही आज भीड़ होने वाली है, इसलिए जल्दी निकल रहे हैं। अपनी जो नमाज़ है 8:30 बजे वो नमाज़ पढ़ेंगे, और वहाँ की भीड़ भी आपको दिखाता हूँ। और जैसा होता है यहाँ पे फिर खाना, खीर सीर वगैरह जो खाई जाती है वो भी, उसका भी दिखाऊँगा कि कितना मनोरंजन करते हैं यहाँ के लड़के अपने भाई बंधु। तो चलिए चलते हैं और रास्ता भी दिखाता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा। ये अपनी तैयार हो चुकी है अपनी गड्डियाँ कुछ बाइकें, और चलते हैं। हलकत निकल चुकी है, इस टाइम सब बैठ चुके हैं गाड़ी में, इधर भी हैं उधर भी है कुछ थोड़े से। ये अपने भाई ने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई, अभी आगे वहाँ मिलेंगे, और अभी तो खीर वीर सीर वीर भी खानी। ये अपने भाई लोग चल चुके हैं, ये अपनी गाड़ी निकल चुकी है, अब चल रहे हैं ईदगाह पे नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद आपको वहाँ का मंजर भी दिखाता हूँ थोड़ा सा। इस वक्त ये देखिए पूरी पब्लिक। हाँ भाई, कैसा लग रहा है जाते हुए ईद में? ठीक, अच्छा लग रहा है। भाई आज फिर हम अपने गरीबों वाली स्कॉर्पियो से निकल चुके हैं, और देख सकते हैं आप ये अपना रास्ता तय करने के लिए तैयार। अजरू भाई ये इधर, अपने अजरू भाई इधर, बिलाल भाई, साबिर भाई, और ये कुछ बच्चे थोड़े बहुत, और साथ में हम, और एक ही हमारे बड़े भाई इस्लामुद्दीन। अपन लोग पहुंच चुके हैं, और देख सकते हैं भीड़ ही भीड़ हो रखी है इस वक्त, जाने के लिए भी जगह नहीं है। इधर ईदगाह है अपनी, और ये अपने सारी खलकत, अपने भाई बंधु सारे भाई लोग। तो अब हम चल रहे हैं सीधे ईदगाह की तरफ। देख सकते हैं आप कि भीड़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, और जगह मिलने की भी उम्मीद से लग नहीं रही। चौथी तकबीर के अंदर रुकू में चले जाएंगे, रुकू होगा और फिर सजदा, और फिर तहियात वगैरह पढ़ने के बाद नमाज पूरी हो जाएगी। नमाज के बाद खुतबा होता है, और सभी मुसलमान जानते हैं कि इस खुतबे को खामोशी के साथ सुनना जरूरी है। खुतबे के बीच में बोलना, इधर उधर देखना, या खुतबा छोड़कर उठकर जाना, ये नाजायज है और अपने सवाब को खराब करने वाली चीज है। दो चार पांच मिनट के लिए आप अपने सवाब को जाया ना करें, और एहतमाम के साथ सभी भाई बिरादर खामोशी से, अदब और एहतराम से खुतबा सुने। चलो 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 भाई, बस एक दो मिनट का वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी सहल लिल इबाद तरीक अल इबादत व यस्सर व जअल लहुम ईदन यऊद फी कुल। सो गाइस, हमारे को मिल चुका था यहाँ पर दूसरी सब में नमाज पढ़ने का मौका, ये बहुत ही अच्छी बात हुई हमारे साथ, और इसीलिए ईद की नमाज बखूबी अदा हो गई है। देख सकते हैं सारी पब्लिक, पूरी खलकत है यहाँ पर इस वक्त। भाई नाम आराम से जाएं, जल्दी चलने की कोशिश ना करें, क्योंकि रश बहुत है। सारे भाइयों को ईद की नमाज हो चुकी है, बहुत ही बड़े तरीके से सुकून से, कोई अपना कोई ऐसा मसला हुआ नहीं है, और ऐसे ही हमेशा से ईद यहाँ पे होती भी आ रही है माशाल्लाह। कोई पंगा नहीं होता, कोई कैंसिल नहीं होता, और देख सकते हैं पब्लिक कम से कम 2-3 लाख पब्लिक है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। बहुत ही जबरदस्त हमारे यहाँ पर ईद का मौका होता है, ईद मनाई जाती है, कम से कम 2-3 लाख पब्लिक आती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। भाई
साहब की उम्र है, फराक उसने पहन रखा है, उसके वाले बहुत हमारे यहाँ मौजूद है, जिन साहिबान को मिले वो कैंप में पहुँचा दे। वो बच्ची मिल गई है जो साहब ईदगाह को चंदा देना चाहते हैं, कैंप में तशरीफ लाए और दे दे। दो बार कहना आता है भाई, ईद और बकरा ईद का, इसके बाद पूरे साल अल्लाह से लेना ही लेना है भाई, देते जाए भाई, अल्लाह के लिए, इस ईदगाह के लिए, इस अल्लाह के घर के लिए देते जाए। तो गाइस देख सकते हैं बहुत ही भीड़ है इस टाइम, ये समझ लो कि निकलने के लिए जगह भी नहीं है, और बहुत ही मुश्किल में यहाँ से निकलते हुए आए हैं, सारे भाई बंधु निकल चुके हैं भीड़ में से, भीड़ आपको दिखाई दी मैंने, इतनी भीड़ है इस वक्त पूछे मैं, ये देख सकते हैं आप भीड़ ही भीड़ है इस वक्त यहाँ पर, यहाँ पे गाइस फूल बरसाए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप कितना जबरदस्त स्वागत हो रहा है, सारे नमाज सारी देख सकते हैं, पूरी भीड़ी भीड़ है यहाँ पर, भाई लोग अपने यहाँ पर खड़े हुए हैं, सभी देख सकते हैं आप, सबने ईद की नमाज पढ़ी है, हाँ भाई ईद की नमाज पढ़ ली सबने, वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक सारे भाइयों को, ईद मुबारक हमारी तरफ से, और अब चलने का टाइम आ गया घर, और अभी घर का बहुत प्रोग्राम बाकी है, वो दिखाते हैं बाकी। अपना भाई मामला हो चुका है सेट, अब खाते पीते फिर रहे हैं, लौंडे लवा रहे हैं, ये देखो पब्लिक थर्रा थर्रा के निकल रही है अपनी, अरे आ जाओ, ये देखो अभी पब्लिक लगी हुई है अंदर, चलो अब दूसरी के जगह चलने का तैयारी है इस वक्त, खतरनाक ये पूरा मामला, इधर देखो इन्होंने कर रखा हिसाब किताब खराब था, देखो खलकत खलकत, वाला हबीबी, वाला हबीबी, टॉप जहाँ पर अब अपनी जो है तैयारी पूरी होने वाली है, अपने सारे भाई आ चुके हैं, बस खाना वाना तैयार है, और अभी आपको दिखाते हैं अपने खाने में लास्ट में क्या क्या है, क्या क्या मिल रहा है, और उसके बाद हम लोग एंड करेंगे, तो दिखाते हैं अभी खाना और उसके बाद करते हैं लोग को एंड, ये अपने सारे भाई बंधु।